सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज नगर कौंसिल राजपुरा में सभी पार्षदों की एक बैठक 2018-19 के बजट संबंधी रखी गई। यह बैठक सरदार अमनदीप सिंह नागी की प्रधानगी में रखी गई, जबकि इस बैठक में नए चुने गए नगर कौंसिल के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने भी पहली बार शिरकत की। इस बजट बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए 50,47,00,000 रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में सबसे पहले अकाली दल के पार्षद सरदार जसबीर सिंह जस्सी ने जहां नगर कौंसिल के नए चुने गए प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री के प्रधान बनने पर उन्हें बधाई दी, वहीं उन्होंने बैठक में कहा कि उनके वार्ड में 2 बार एस्टीमेट बन चुके हैं, उनको दुरुस्त किया जाए ताकि किसी तरह की गलती ना हो सके। उसके बाद भाजपा के पार्षद मनदीप सिंह राणा ने भी बैठक में कहा कि शहर में नक्शों की फीस कम करने के लिए बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था, मगर इसके बाद भी रेट कम नहीं हो पाए, इसलिए इस पर गौर किया जाए। इसके बाद पार्षद पवन मुखेजा ने सबसे पहले नए चुने गए प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री को बधाई देते हुए बैठक में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में कामों के लाखों रुपए के एस्टीमेट पास हुए हैं, काफी समय बीत चुका है मगर इसके बाद भी काम शुरू नहीं किए गए, जबकि गौशाला पार्क में होने वाले काम का वर्क आर्डर भी जारी होने के बाद काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। पहले आपको सुनाते हैं पार्षद जसबीर सिंह जस्सी, पार्षद पवन मुखेजा व महिला पार्षद कुलदीप कौर के पति सरदार जगीर सिंह ने बजट बैठक में क्या हुआ के बारे में न्यूज 89 को जानकारी देते हुए बताया कि आज जड़ी मीटिंग सी की बजट दी ते उसी की रहा की मुद्दे सीगे ते किस तरह रहा जी सारा दसो। बजट दी मीटिंग ता बिल्कुल सही सलामत ठीक हुई है, बजट भी चंगा है, 51 करोड़ तो ऊपर का बजट जेड़ा पास आके किया गया है मेरे हाउस की मीटिंग ने, शहर वास्ते वधिया स्कीमां ने, चंगी गल है। उस तो पहला मैं जेडे नवे बने प्रधान साडे नरेंद्र शास्त्री जी उन्होंने मैं मुबारक देनी चाहना अपने वालों श्रोमणी अकाली दल वालों ते अपने समुचे मैंबर साहबान वालों ते नाल ही उन्होंने विकास भी रखता है कि बिना पक्षपात तो बिना किसी गतकीरे तो जिहड़ा शहर का सारे का टोटल पुराने राजपुरे का भी नाल टाउन का भी सारे का वो वार्डा का विकास करनगे। तो दूसरी गल कि जी उस तो पहला मीटिंग हुई थी उस तो जेडे मैनू इतराज सके जिमें एक भी वो असी किता भी इन्होंने नक्शिया की जी फीस सी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती सी, इस करके असी बेनती की सारे हाउस ने भी वो जी है वो घटाए जान, तो वो डायरैक्टर साहब ने साडा वो प्रवान नहीं किया। तो मेरी MLA साहब को बेनती है कि परसनल तौर पर तुम उन्होंने मिल के जो शहर वासियों का जरूर भला किया जाए। मेरा एक आइटम के उन्होंने पिछा मत आए पाया सी भी कुछ अनिर्धारित कॉलोनियों के इन्होंने अपने निजी जोड़े बंदे से उन्होंने इन्होंने एस्टीमेट पास करते जो कि सरासर गलत है। मैं अनिर्धारित कॉलोनियों के खिलाफ नहीं है, तो मैं तो सिर्फ एक बेनती करनी है भी सारिया राजपुरी जिन्नी अनर्थ कॉलोनियां ने उन्होंने सारे के मते पाए जान, सारे की डिवेलपमेंट होनी चाहिए है, किसी एक अद्धी कॉलोनी का एक अद्धे बंदे का कम ना हो, सारे का ही कम होना चाहिए है। तो दूसरा एक सीवरेज बोर्ड की बड़ी मनमर्जी चल रही है, जेडे 125 गज का श्रोमणी अकाली दल के भारतीय जनता पार्टी जो सरकार से 125 गज का जेडे वो माफ किए इन्होंने वो लोगों तंग परेशान करे कर रहे हैं, तो भी SDO साहब सीवरेज बोर्ड उन्होंने माफ नहीं कर रहे, जबकि इस पिछे भी लोग बड़े तंग ने। मेरी सारी यही बेनती है भी ये सारे जेडे पिछली सरकार वालों मता पाया गया सी उन्हों बरकरार रखा जाए, लोगों का भला किया जाए जी। वाहेगुरू जी का खालसा। हाँ जी, ये बजट की मीटिंग सी अज, उस बारे थोड़ी जानकारी दो जी किस तरह रही। बहुत वधिया रही है जी, तकरीबन 51 करोड़ के जोड़े है बजट है शहर की भलाई वास्ते, शहर के विकास वास्ते बजट पेश किया गया, बहुत वधिया सीगा, शहर के विकास वास्ते बहुत वधिया हैगा। इस तो उपरंत मैं नवे बने प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री जी ने अपने वालों श्रोमणी अकाली दल वालों अपने मैंबर वालों बधाई दिता हाँ कि मैं आस रखता हाँ कि श्री नरेंद्र कुमार शास्त्री जी बिना किसी पक्षपात के सारे वार्डों का चाहे कोई अनधिकारित कलोनी हो चाहे अधिकारित कलोनी हो सारे का बराबर विकास करे तो शहर में वधिया जोड़ा है वधिया है माहौल दे। बजट संबंधी की मुद्दे सीगे ते किवें रही मीटिंग? मीटिंग जो अगले साल का जो बजट लैके मीटिंग सी, मीटिंग करीब 50 करोड़ का जोड़ा रखे अगले साल वास्ते वो पास करता गया सरसमती देना, तो असी जी अज मीटिंग की है बड़ी समूथली मीटिंग हुई है, जो एक दो गलों लैके
क्योंकि जो हर मीटिंग माड़ी बहुत गलबात हो जाती है असं मीटिंग एक दसिया भी जो सा दो ढाई तीन तीन साल के जोड़े एस्टीमेट पेंडिंग पे ने उन्होंने टेंडर लाया जाए क्योंकि साढ़े नाल जरा असं भी चाहते हैं भी साढ़े विकास के जो काम रुके हुए हैं वो पहल के आधार पर तो शास्त्री जी ने चाहे अच्छ मीटिंग की प्रधानगी नहीं की मीटिंग की प्रधानगी नागी जी कर रहे सन पर उन्होंने सू विश्वास दवाया कि जोड़े काम थोड़े एस्टीमेट पास ने रुके हुए हैं वो पहल के आधार पर जल्द तो जल्द शुरू करवाए जाएंगे तो चाहे साड़ी मजबूरी थी शास्त्री जी ने वोट नहीं पाई पर असी शास्त्री जी तो मैनू इन्हें पूरे शहर में उम्मीदा ने कि काफ़ी साल तो उन्होंने एक सपना सी कि मैं राजपुर नगर संघ का प्रधान बन के शहर की सेवा करा सू उम्मीद है कि वो जो उन्होंने दिल के बलबले ने शहर में विकास की लिया लैके जा बलबले शहर में विकास के रस्ते लैके शहर के विकास का सपना पूरा करके वो करके दिखाएंगे क्योंकि असी चाहे साड़ी विचारधारा जो मर्जी हो पर उन्होंने मन के शहर बत्ती लोगों ने जो दर्द है असं महसूस किया और उस दर्द को महसूस किया इसलिए सूँ पूरी उम्मीद है मैनू पूरी उम्मीद नहीं पूरे शहर के लोगों को उम्मीद है कि वो शहर का जो विकास का सपना है और विकास के सपने को जरूर पूरा कर। अब आपको सुनाते हैं नगर कौंसिल के नए चुने गए प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व उप प्रधान अमनदीप सिंह नागी ने राजपुरा में हो रहे कब्जों के बारे में व उक्त बैठक में क्या क्या शहर में विकास किए जाएंगे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाकी आमदन तो अलावा 10 करोड़ रुपया जो है प्रॉपर्टी बेच के जरा इकट्ठा किया जाना है ये सारा पैसा जरा है सारा शहर की डिवेलपमेंट वास्ते क्योंकि शहर बहुत पिछड़ चुके हैं इस टाइम काफ़ी पैसे की जोड़ हैगी तो यह सारा पैसा जरा इकट्ठा करके डिवेलपमेंट लाया जाए तो हूँ थोड़ी तुम प्रधान किसी सीट से कर बैठोगे चुनाव तो तुम जीत चुके हो सर नोटिफिकेशन होने के बाद जो प्रोसेस है तो उसके बाद तुम्हारे की रहने के तुम सोचा होना कुछ शहर वास्ते सब तो जो सा पहल हैगी है वो हैगी शहर की जी सफाई करना क्योंकि साढ़े को साधन बहुत ने उन्होंने सिर्फ तरीके चलाने की लड़ हैगी है तकरीबन साढ़े 270 जो कर्मचारी पक्के है अभी वधिया तरीके शहर की सफाई की जी शुरुआत करके उस बाद प्रायोरिटी तय कर लेंगे जो सड़कों की हैगी है पीने वाले साफ पानी की सप्लाई यकीन बनाना तो उस बाद स्ट्रीट लाइट वगैरह सारा जो मुद्दे है शहर के जो लोगों रोज़ इफेक्ट करते हैं सारे मुद्दे उत्ते असी पूरी ईमानदारी और मेहनत का काम करके अपने पूरे पार्षद ना लैके असी बहुत जल्दी साफ सुथरा शहर बनाने वास्ते अगर बता तो नजायज कब्जा वास्ते की नजायज कब्जा ना कोई समझौता नहीं होगा बाजारों में जिहड़ियां रेहड़ियां खड़ियां ने उन्होंने एक तरीके का प्रबंध किया जाऊगा ताकि गरीब लोगों के घर से जोड़ा है चूल्हा भी जलता रहे दुकानदारों में परेशानी ना हो दुकानदारों और रेहड़ी वाले बैठ के असं यदि प्लानिंग करा और उस तो अलावा जोड़ा है शहर के आवाजाही ना रुके सड़क खुलिया रहा इस गल का पूरा ध्यान रखा जाए। हाँ जी प्रधान जी अभी जी मीटिंग सी बजट संबंधी उस बारे च थोड़ी जी जानकारी दियो जी सर ये टोटल 47 करोड़ का बजट सी जिदे विचों 10 करोड़ अपना प्रोपी सेल करके आएगा अपने को 21 करोड़ आप रखे शहर की भलाई वास्ते विकास के कामों वास्ते जेडे विकास के काम रुके हुए हैं उन्होंने जल्दी शुरू करावांगे तो होर की आप मतलब आने वाले समय से शहर वास्ते शहर नूं देन जा रहे हैं आने वाले समय से सब तो पहला तो साडा ध्यान जिवें हुण शास्त्री जी कुर्सी ते बैठणगे इन्हां नाल मिल के सब तो पहला तो आप शहर की सफाई वाल ध्यान देना तो शहर की लाइटों का ध्यान देना सफाई के पहल के आधार से सफाई वाला कराना काम एक सब तो वड्डी गल है जिहड़ी शहर के विच नजायज कब्जे की जिहड़ी प्रॉब्लम है पिछले 10 सालों तो 15 सालों तो आ रही है उस बारे च की तुसीं हुण करन जा रहे हो नजायज कब्जे नूं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपको यहाँ बताना बहुत ही जरूरी है कि जैसे कि आपने सुना कि विपक्षी पार्टी के पार्षद आज नगर कौंसिल के नए चुने गए प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री को बधाई देते हुए भी नजर आए और आने वाले दिनों में शहर में उनके द्वारा बिना पक्षपात के विकास करने की भी बात कह रहे हैं और शहर निवासियों को भी शास्त्री से पूरी उम्मीद है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी न्यूज 18। सब्सक्राइब करें न्यूज 18 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।